देखते रहिए यूवीएन जीरो एट भोपाल से आरिफ खान ब्यूरो की खबर आ रही है। कांग्रेस सरकार स्मार्ट रोड का लोकार्पण नहीं करने दे रही। कमलनाथ सरकार रास्ते में बने मकानों के अतिक्रमण को नहीं हटाने पर कमलनाथ की सरकार के विरोध में महापौर आलोक शर्मा अपने नगर सरकार के नेतृत्व में भारत माता चौराहा जवाहर चौक पर धरने दिया। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट, ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस सरकार होश में आए, अभी तो ये लड़ाई है। 2017 को प्रदेश के तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल के पहले स्मार्ट रोड का भूमि पूजन किया था। ये स्मार्ट रोड 32 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और इसमें ये नए भोपाल और पुराने शहर को जोड़ने वाला एक नया स्मार्ट मार्ग बनकर भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने तैयार किया है। ये अभी तक भोपाल की जनता को लोकार्पित हो जाना चाहिए, पर जो इस क्षेत्र की पार्षद है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के सबसे खास अपने आप को बतलाती हैं, लगातार भी स्मार्ट रोड में गतिरोध बनी हुई है, बाधक बनी हुई है। वे लगातार इस रोड को बनने नहीं दे रही है, जिससे कि भोपाल की जनता को ये स्मार्ट रोड लोकार्पित नहीं हो पा रहा है। 139 परिवारों को के विस्थापन के लिए सर्वे किया गया था। 139 परिवारों में से 97 परिवारों का विस्थापन भी ट्रांजिट सेट में कर दिया। आने वाले दिनों में उनको मकान बनाकर दिए जाएंगे। 32 ऐसे परिवार हैं जिनको कि स्मार्ट सिटी ने उनको पर्ची भी दी, नगर निगम ने पर्ची भी दी, ट्रांजिट सेट उनको आवंटित भी कर दिया। वो अपने घरों से सामान भी लेकर ट्रांजिट सेट में शिफ्ट भी हो गए। और यहाँ की जो क्षेत्र की पार्षद हैं साविस्ता जी और उनके जो अपने जो कांग्रेस के अपने नेता हैं, अपने को महामंत्री बताते हैं, वो लगातार इसमें बाधा बन रहे और उन 32 परिवारों को ले गए वापिस और ले आके उनको उन पुराने मकानों में ही शिफ्ट कर दिया गया। केवल 100 मीटर का टुकड़ा बना है, 100 मीटर के टुकड़े का काम नहीं हो पा रहा, जिसके कारण से ये रोड भोपाल की जनता को लोकार्पित नहीं हो पा रहा।